हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। 5 मार्च से 8 मार्च तक जो स्टॉक है कैसे रहेंगे, उनके इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, इंट्राडे में मौका क्या मिल सकता है या डिलीवरी में, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो मैंने वीकली व्यू जो है उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाया है, वहां पे मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में आपने पूछा है वो मैं शेयर किया है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर हमने वीडियोस बनाए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस है, इंट्राडे के लिए और सॉफ्टवेयर कैसा यूज करें उसके लिए भी है। ये देख के आप जो है कि ट्रेडिंग सीख सकते हो और इसमें मार्केट में पैसा बना सकते हो। दोस्तों, चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक है जहां पे आपको नजर रखनी है, ये ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, हम लोग स्टॉक में शुरुआत करेंगे रिलायंस से। तो रिलायंस ऐसा स्टॉक है कि मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करता है, तो हम लोग इसको जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे तो फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल बनाया था अच्छा खासा एक डोजी कैंडल के बाद, और जो लास्ट वीक में कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने एक रिलायंस के लेवल बनाए 1248 और डाउन साइड में 1196, तो ये रेंज में देखिए अब कितना दिन एक घूम रहा है रिलायंस। तो जैसा मैंने निफ्टी के बारे में बताया था कि कोई भी ऐसा कंसोलिडेशन करता है तो आइदर साइड ब्रेकआउट होता है, ये देखने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। पहले का भी लेवल देखिए, वही लेवल में उसने कंसोलिडेशन किया था और अपसाइड ब्रेकआउट दिया था, तो इतना जो डिफरेंस है उतना ही उसने ब्रेकआउट दिया था। तो ऐसे ही कहीं है पे ब्रेकआउट दे सकता है आइदर डाउन साइड या अप साइड, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा देगा। जब भी देगा आपको वो सिग्नल भी आएगा और जैसे मैं डेली वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको शेयर भी करूंगा। तब तक मुझे लग रहा है कि जो रिलायंस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप 1248 रेजिस्टेंस और 1196 सपोर्ट देख लीजिए। इंट्राडे में आपको जो मोमेंटम क्या करना है, क्या लेवल रहेंगे, हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। इसका 5 मिनट का चार्ट निकालता हूं। यहां पे देखिए कि ये थोड़ा डाउन साइड में 1225 के आसपास क्लोज हुआ है, तो आपको इंट्राडे में अगर शॉर्ट करना है रिलायंस तो यहां पे और ट्यूजडे को 1222 तो 1222 के नीचे ही शॉर्ट जा सकता है। बाइंग के लिए आप 1234 के ऊपर ही उसको बाइंग कीजिए, 1248 तक का भी टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो चार्ट देखेंगे वो है एस बैंक। तो एस बैंक का मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि मोस्टली बहुत सारे जो कि स्टूडेंट्स में ट्रेड करते हैं या हमारे व्यूवर्स हैं, तो एस बैंक का देखिए कि कुछ दिन पहले भी मैंने इसका चार्ट आपको शेयर किया था। तो ये नजदीक का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो गया, और नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है कि ये इम्पोर्टेंस लेवल है 244.66। तो ये देखिए यहाँ से बहुत सेलिंग आया था ऊपर कोई भी, उसके बाद डायरेक्ट जो लेवल दिख रहा है 263 का दिख रहा है। तो अगर ये जो इंपॉर्टेंस लेवल है 244 ए ब्रेक करता है तो अच्छा इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। उसके पहले अगर इंट्राडे भी आपको ट्रेड करना है तो 1238 के ऊपर अगर जाता है ट्यूजडे को तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव ए बना है, मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन लेवल ब्रेक करता है तभी आपको इसमें ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट जो चार्ट है अडानी पोर्ट का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अडानी पोर्ट का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें पिछले टाइम कुछ न्यूज आए थे और यहाँ पे बाउंस जो ड्रॉप हुआ था वो यहाँ पे पूरा यहाँ ये लेवल पे होल्ड किया है। उसके बाद जो मोमेंटम अभी दिख रहा है कि एक कैंडल में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, तो अगर आपको ट्यूजडे को इंट्राडे में भी ये लेवल जो है 334 के ऊपर 335 कीजिए, क्योंकि 334.99 है, तो 335 के ऊपर अगर ये मोमेंटम करता है इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा एसबीआई। तो एसबीआई में देखिए कि फ्राइडे को एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा था, ये भी पूरा ड्रॉप होने के बाद रिकवर हो रहा है, और जब भी इसने ये जो हाई बनाया था इसके बाद ये नीचे लो बनाया और वापस वो लेवल पे जा रहा है। तो ये जो है कि नजदीक वाला हाई उसने ऑलमोस्ट ब्रेक किया है, तो शायद वो ट्यूजडे को जो पहला ट्रेडिंग डेज रहेगा वह 274.68 के ऊपर अगर आप उसको ट्रेड करते हो तो एक अच्छा इंट्राडे का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसलिए मैं आपको ये स्टॉक के वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है कि इंडस बैंक।
तो इंडस बैंक का भी देखिए कि मैंने आपके साथ बुधवार शेयर किया कि ये डाउनवर्ड चैनल बना रहा है और एक फ्राइडे को अच्छा मूव दिया, लेकिन ये जो लेवल्स है यहाँ पे मैंने लेवल लगाया 1215-17, तो 1517 के ऊपर अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जाता है इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो यहाँ तक जाने के लिए 1557 तक जाने के लिए ट्राई करेगा क्योंकि यहाँ पे एक चैनल है, तो ए लेवल पे तो जाएगा ही जाएगा, एक या दो दिन में ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा या फिर सपोर्ट लेगा, रेसिस्टेंस या सपोर्ट या ब्रेकआउट कर सकता है, तो ये आप नेक्स्ट वीक में जरूर देखिए। उसके बाद है जी, तो जी का जो है कि ये देखिए कि मीडिया सेक्टर थोड़ा अच्छा कर रहा है और एक जी जो इसका सेलिंग कैंडल बना था उसके ऊपर भी ये सस्टेन हुआ, ब्रेकआउट किया उधर, तो ये इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। अभी अगर ये क्लोज हुआ था 486 के आसपास क्लोज हुआ है, यहाँ पे इसका जो हाई है 489, अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। एक नजदीक वाला छोटा टारगेट है 496, पहला एक टारगेट आएगा 496, इसका इम्पोर्टेंट लेवल है 496, ये पकड़ो 496 इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करता है हाई 489 ब्रेक करता है तो 496-97 ये आएगा ही, और उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट आने का वापस चांस है। तो ये लेवल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट के ऊपर प्रॉपरली देखिए, नेक्स्ट वीक में इसमें मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद मैं आपको गेल का चार्ट ये करता हूँ, तो गेल मैंने इंट्राडे भी दिया था और उसमें अच्छा खासा यह देखिए कि अच्छा खासा इसमें प्राइजेशन हुआ था और प्रॉफिट भी हुआ था जो मैंने कि फ्राइडे के लिए दिया था। लेकिन देखिए कि जो डेली का कैंडल बनता है वो देखना इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इसका भी डाउनवर्ड चैनल था, इसको ये चैनल को ब्रेकआउट करना चाहिए था लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो अगर इसके नीचे एक क्लोज हुआ है, अगर इसको शॉर्ट आपको ट्रेड मिल सकता है 342 के नीचे अगर जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये डाउन आ सकता है 337 के इधर तक आ सकता है, तो इसमें आप सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। ये बाइंग अभी आएगा क्योंकि बाइंग जब भी आएगा ये कैंडल का जो हाई कवर करता है 349 को बाइंग आएगा, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि अगर ये 342 के नीचे जाता है तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा एक लेवल पे, तो मैं ऐसे स्टॉक आपको शायद शेयर करता हूँ उसमें कोई टेक्निकल लेवल बन रहा है। उसके बाद ग्रासिंग, तो आई थिंक मैंने ये अपना डेली में भी कवर किया था, तो इसमें मैं कल ये बता रहा हूँ कि डबल बॉटम जो है देखिए ये कंटिन्यूस इसका टारगेट बना रहा है और इसका टारगेट है 831 तक आ सकता है, तो नजदीक वाला आप कौन सा भी 777-64 या ये कोई टॉपलस लगा के आप इसमें और भी रह सकते हो, जिन्होंने बाय किया होगा जब भी मैंने आपको बताया था वो टाइम पे अगर आपने बाय किया होगा तो आप इसमें रह सकते हो, इसका और भी टारगेट आ सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा विप्रो की, तो विप्रो में देखिए यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ पे विप्रो ने ये लेवल जब भी ऊपर ब्रेक किया था और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, तो ये लेवल पे वापस उसको सपोर्ट मिल रहा है 362 के आसपास, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग लेवल में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वापस ये 378 ब्रेक करता है तो आपको 389 तक का टारगेट मिल सकता है, तो यहाँ पे उसने एक अच्छा बाइंग प्रेशर कैंडल बनाया फ्राइडे को, इसका आप यूज करके इसका ब्रेक हाई ब्रेक होता तो इसमें आपको अच्छा ट्रेडिंग मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, तो हम लोग एक्सिस बैंक का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि एक्सिस बैंक का जो है कि फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल बना था, थोड़ा सा ये हाई जो है कि लोअर हाई है और ये नेगेटिव कैंडल है, तो शायद थोड़ा सा अगर इसका लो ब्रेक करता है 699 तो नीचे 679 तक आ सकता है, अगर उसमें आपको बाइंग जाना है तो अगर यहाँ से रिवर्स होता है 714 के ऊपर इसमें बाइंग आ सकता है, तो आप ये लेवल पे देखिए क्योंकि ये जरा करीब करीब है हायर के करीब है, ये डबल टॉप टाइप बन रहा है लेकिन ये जो हाई है इसके थोड़ा नीचे है, तो इसमें अगर एक सेलिंग भी आ सकता है तो ये लेवल के नीचे 699 के नीचे थोड़ा ये सेलिंग देख सकता है या हाई ब्रेक करता है तो आप इसमें बाय भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल लेवल बन रहा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। IDFC फर्स्ट, ये जो इसके बारे में मुझे बहुत बार पूछा गया, ये टेक्निकल बहुत अच्छा चलता है, तो जब तक मैं शेयर करूँ इसमें ब्रेकआउट हो गया था और ऊपर भी गया था, तो जिन्होंने अभी तक बाय किया होगा या इसमें बैठे इसलिए उनके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसका जो लेवल है देखिए 48 या 49 के आसपास यहाँ पे वापस सेलिंग आ सकती है,
और जिनको नया फ्रिज बाय करना है वो 49 यानी कि 49.58 के ऊपर ही उसको आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा हो तो मैं देखिए यहाँ पे कितनी बार इसको रेसिस्टेंस आया, तो जहाँ पे टेक्निकल अच्छा बन रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब भी लेवल आता है आपको एंट्री मिलेगा। ऐसे नहीं कि कल मंगलवार को मार्केट चालू होगा आप इमीडिएटली जो मैंने शेयर बताया बाय करो, तो लेवल देके उसमें ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी तक 49.50 करने में 50 मारने में बहुत टाइम ले रहा है। ओके, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि 50 के ऊपर जाएगा तो मुझे शेयर अच्छा लगता है, तो 50 के ऊपर जाएगा तो इसमें ट्रेड कर सकते हो। नया वाला जिन्होंने लिया होगा वो अगर यहाँ पे आके अगर कोई ऐसे कैंडल बना रहा है सेलिंग वाले, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे 50 में उसमें ऑलमोस्ट 50 के आसपास यानी 48.68 और 49.58 ये जो एक्चुअल लेवल देखो यहाँ पे, इसको बहुत रेजिस्टेंस है। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं इसलिए मैं ये शेयर यहाँ पे शेयर किया। उसके बाद मैं आपको सन फार्मा शेयर करता हूँ। देखिए कि जो जितने भी फार्मा सेक्टर है थोड़े से अभी वापस रिकवर कर रहे हैं। ये जो इसका रेजिस्टेंस था जो मैंने यहाँ पे निकाला है, तो आपको मैं थोड़ा चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये स्टॉक का ये पहले सपोर्ट था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके लिए मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इस लेवल से नीचे भी आ सकता है और ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है। जब भी सन फार्मा 456 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है विथ वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बना के उसके ऊपर क्लोज होता है तो एक मोमेंटम आपको मिलेगा। ये थोड़ा बहुत जैसा कि असेंडिंग ट्रायंगल टाइप भी बन रहा है, तो ये जो इसमें बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल, अगर आप ऐसा देखो अगर आप ए लेवल से देखो तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप इसको ऐसा देखते हो, अगर आप इसको ऐसा देखते हो तो एक कॉम्प्लिकेटेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये बीच में वाला हेड और ये शोल्डर, ये इतना मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा इतना क्लियर कट हेड एंड शोल्डर नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैटर्न वैसे उसके आसपास बन रहा है तो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट वैसे हो सकता है। लेकिन कभी जब भी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रेड है लेकिन ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए ग्रीन कैंडल, तो उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छा सा ए लेवल तक आपको टारगेट मिल सकता है और उसे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन ये जो लेवल है आसपास, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट डाउन करूँ तो ये आसपास आता है 530 के आसपास आता है, तो वहाँ तक भी टारगेट जा सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, शायद इसमें आपको इंट्राडे भी ट्रेड मिल सकता है या पोजिशनल भी मिल सकता है। तो जैसे होता है तो मैं आपको इंट्राडे में भी इसके शेयर करते रहूंगा। उसके बाद है BPCL। तो जैसे मैंने कहा है कि मेरा पहला वीडियो में कि यहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि क्रूड को मैंने देखा था थोड़ा फ्राइडे में डाउन होते हुए। तो यहाँ पे BPCL में आपको मोमेंटम मिल सकता है 347 के ऊपर अगर ब्रेक होता है। इसमें भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप बना है लेकिन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी हो यहाँ पे एक लेवल मुझे दिख रहा है, अगर ये ब्रेक होता है 347 तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो दोस्तों यही कुछ मैं स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि जो पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है या जो भी ऐसा होता है कि जब भी मार्केट अचानक उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, ऐसे टाइम पे जिनको ट्रेड नहीं जमता है या जो रेगुलर नहीं ट्रेड करते उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिनको समझ रहा है लेवल वही ट्रेड करो, अदरवाइज खाली मैंने जो शेयर बताया उसको बाय करके बैठो मत और बोलना कि मैंने अपने बताए थे बाय किया हूँ। ऐसा नहीं कि आपको प्राइजेशन समझना चाहिए, लेवल पे ट्रेड कैसे समझना चाहिए, ऐसा करो और अपनी जिम्मेदारी पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। दोस्तों ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा ही चलेगा। अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का आप सलाह लेके इसमें ट्रेड कीजिए। अगर आपको मेरे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो मुंबई में INA ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में आके आप मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, और इसके डिटेल मैं यहाँ पे देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को हम लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।